एनिमल चैप्टर यो यो यो, 1036 के इंग्लिश आउट वो भी ट्यूसडे को अचानक से आ गया एंड दिस चैप्टर ओके बेटर देन प्रीवियस चैप्टर लेकिन लिटिल ही बेटर है बस एक सीन अगर इस चैप्टर में नहीं होता ना तो मैं इसको एक मस्त चैप्टर समझता पूरा ओपिनियन देता है मैं अपना चलो इंट्रो बजा देता हूँ मैं लेकिन उससे पहले सिपॉन्सेर टेम इट्स नॉट अदर दैन बिली बिली कॉमिक्स आज मैं तुमको लेकिन दो ओरिजिनल बिली बिली कॉमिक्स के कॉमिक्स रिकमेंड करने वाला है जिनको तुम फ्री में बिना ऐड के बिली बिली के वेबसाइट में या फिर ऐप में रीड कर सकते हो यू ऑल शुड चेकआउट टारगेट हंड्रेड मिलियन पॉइंट्स एंड फोर हंड्रेड फोर केस मैनुअल दोनों एकदम स्वाद मानवाज है डिस्क्रिप्शन और पिंड कमेंट में लिंक मिल जाएगा रीड करके देखना इनको और मजा आएगा तुमको और लेट्स ये लो इंट्रो मैं लेट्स क्यों फाक ये लो इंट्रो लेट्स बी चालू वहीं से हुआ जहां e. से सब ने किया था, हार गया. <laughs> मैं अब इस फाइट के बारे में जोरो ने जो फाइनल लाइन बोला आई विल बी द किंग ऐसा कुछ उसने बोला वो सुन के मजा आया एकदम घूसबम्स मतलब बैडबाजी कर दिया जोरो स्टिल डजेंट चेंज द फैक्ट कि ये फाइट फूल टाइप का था और हाँ जिस वे में जोरो वापस ऊनी में गया दैट इज़ uh, हवा मिस वर्ड्स को स्विंग करके और फिर अपने आप को जो रिपेल किया उसने दैट वॉज नाइस टू वैसे किंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लैशबैक दिखा एंड वो थ्योरी जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था पिछले हफ्ते वो एक्चुअली में सच हो गया काइडो सच में खुद को जो बॉय मानता था किंग का लॉयल्टी एंड बिलीव टूवर्ड्स काइडो इज सिमिलर टू स्ट्रोहैड्स का लॉयल्टी टुवर्ड्स तो लूफी जिसकी वजह से किंग का कैरेक्टर मेरे को अच्छा लग रहा है अभी पहले बेकार लग रहा था बट अभी अच्छा लग रहा है वैसे वैसे बताऊ तो बेकार नहीं लग रहा था बट ठीक लग रहा था कुछ बात तो करता नहीं था धूल तो ओके ओके लग रहा था बट अभी अच्छा लग रहा है वैसे काइडो जो वेगाप डेविल फ्रूट लूनेरियन सबको कवर करके मैंने एक थ्योरी बनाया जिसको मोस्ट लाइकली देख ही लिया होगा तुमने बट अगर कोई नहीं देखा है तो देख लेना उस पर रिस्पॉन्स बेस्ट आ रहा और एक और थ्योरी जो कि मेरे चैनल का बेस्ट है मतलब मेरे हिसाब से साबो वाला वो तो मज़ा ही आ जाएगा तुमको इसके बाद सी पी ज़ीरो का थोड़ा दिखा है सी पी ज़ीरो का पता चल गया कि जोरो ने किंग को हरा दिया है जिस पे जो सी पी ज़ीरो के मेंबर का ओपिनियन था ना वो एकदम डिट्टो मेरा भी सोच है दैट इज़ कि किंग क्वीन जैक बीस्ट पायरेट्स बिग बॉम पायरेट्स के हारने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब तक ये दो जानवर से शक्ल और ताकत के लोग लड़ रहे हैं तब तक वॉर उन्हीं के साइड है मैं ये नहीं बोल रहा कि किंग क्वीन ये लोग का हारने का मतलब नहीं है बट वॉट सी पी जीरो वाला बंदा सेड इज़ ट्रू राइट बिग मोम काइडो ऐसे है ना मतलब मेरे हिसाब से तो भाई ओनीगाशिमा में जितने भी है ना जितने भी उनको दोनों मिलके हरा देंगे सिर्फ़ दोनों तो भाई बाकी हार रहे हैं ठीक है बट जब तक ये दोनों नहीं हारते वॉर योंकोस का ही है एंड द वे दे आर फाइटिंग अभी भी वॉर योंकोस के फेवर में ही है इस चैप्टर में बिग मॉम दिखी है अपने को उसका और किड लॉ का कोई कन्वर्सेशन नहीं दिखा है बट उनका शक्ल देख के पता चल रहा है कि उन लोग की हालत ख़राब है और बिग मॉम तो भाई फाड़ने के मूड में है एक तो मेरे को समझ नहीं आता किड लॉ अभी तक हारे कैसे नहीं है यार मतलब इन लोग कब से लड़ रहे हैं भाई मेरे को क्या लग रहा है ना इन लोग छुप छुपा के लड़ रहे हैं या फिर दो जगह बिग बिगमम को डिस्ट्रैक्ट करके दुनिया भर का दिमाग ला कर कैसे भी सरवाइव बस कर रहे हैं मैं सच में चाहता कि जल्दी बिग बिगमम इनको मसले ऐसा नहीं है मेरे को लॉ किट पसंद नहीं है दोनों मेरे को बहुत पसंद है किट तो नहीं है बट लॉ बहुत पसंद है बट यहाँ पे अगर मामा जीती तो ही सही रहेगा अगर ये दोनों धूर लोग मामा को हरा दिए ना बड़ा सा प्लॉट हो लो जाना है फिर तो और एक पैनल में मोमो भी काइडो के फ्लेम क्लाउड्स को खींचते हुए दिखा है आई थिंक वो अभी के टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रहा है क्योंकि अभी तक वानो फ्लावर कैपिटल से क्रैश नहीं हुआ है और 15 मिनट या फिर जितना भी टाइम बचा था क्रैश होने में वो हो ही गया होगा मेरे हिसाब से कब से लड़ रहे हैं इन लोग तो अभी तक क्रैश नहीं हुआ है मतलब कि मोमो अपना काम कर रहा है दैट इज ओनी गाशमा को प्रिवेंट करना क्रैश होने से वैसे यामाटो का भी सीन दिखा है वो जा रही थी वेपन्स को बुझाने या फिर डिस्ट्रॉय या फिर डिफ्यूज करने जो भी है तो आर्मरी जहाँ पे सारे एक्सप्लोसिव थे उसी के दरवाजे के बाहर एक नंबर सोते हुए दिखा है अपने को अल्टीमेटली ही इज द रखवाला ऑफ दिस डोर अभी <laughs> सला यहाँ पे सबकी फटी पड़ी है ओनी में फट सकता है कभी भी या फिर क्रैश भी हो सकता है उधर योंकोस कभी भी लूफी किडलो को मसल के रख सकते हैं और ये फुद्दू नंबर सो रहा है एंड आयरोनिकल बात तो ये है कि अगर बॉम्ब फटा या फिर ऊनी क्रैश हुआ तो सबसे पहले यही मरेगा क्योंकि सबसे क्लोज बॉम्ब्स के तो यही है ना लेकिन मरने से किसको डर लगता है, है ना अपने को तो सोने का है वही बॉम्ब्स के सामने ही नाइस इसको अपना फूगा मस्त मार दिया भाई एकदम मस्त सो रहा था और ले हेडवट काम के टाइम से दो गिलास साला इसके बाद ओसॉप वाला शेड देखा है जिसमें मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है <laughs> क्या है ये ओ का जो भी हो रहा है नहीं देखना भाई मेरे को सॉप को भाई बिग मोम काइडो को दिखाओ यार ये क्या सरवाइव करने के फायदे बताने बैठ गया उसअोप एक तो ये सामोराइज भाई साहब भाई स्पेशली ये कीनेमोन इतना बेकार लग रहा ना मेरे को ना तो इसको मरना है ना ही इसको कुछ करने का है मतलब पाद मार मार के बस बात कर रहा है दूर और ये कीको भी उसके इन्फ्लुएंस मार के एकदम फुद्दू टाइप सामोराइज नीड लेजेंडरी डेथ ऐसा

और ये बंदा इतना वियर्ड है ना मतलब भाई बीच वॉर में अपना शर्ट या फिर जो भी कपड़ा सा ये पहनता है उसको उतार के अपने पीठ को कौन दिखाता है मेरे को क्या लग रहा है ना ओडा ने जो पूरा सीन दिखाया ना जो ईजो ने अपना कपड़ा उतारा लोगों को लोगो दिखाया पीछे का जो भी है मेरे को इससे ऐसा लग रहा है कि ओडा ये बताना चाहते हैं कि ईजो वाइट पेट पायरेट्स में होकर भी वाइट पेट पायरेट्स के लोगों को टैटू ना करवा के कोजुकी के लोगों को टैटू करवाया मतलब भाई कितना वानों को कोजों की लॉयल भाई वेल वेलगेस व्हाट नो बडी केयर्स बिच हाँ लेकिन ईजो का ओसअप को गॉड उस बोलना ये मेरे को एक अच्छा चीज़ लगा इसका मतलब ये है कि ईजो ने ऊसअप का बाउंड्री पोस्टर देख रखा है पहले से जिसका मतलब ये भी हुआ कि इट्स पॉसिबल कि ईजो वानों में आने से पहले सारे स्ट्रोहाइड्स को स्टॉक किया था और फिर आते हैं भाई ये सोस्टन और रोटो सॉस्क्यू भाई ये राइजो और फुकोरोज भाई जिनके एग्जिस्टेंस से भी मेरे को प्रॉब्लम है दोनों एक दूसरे पर शिका मारू वाला जुत्सु कर दिए हैं और दोनों ही हार नहीं मान रहे बट स्टिल वी ऑल नो कि लास्ट में राइजो ही जीतेगा मतलब <laughs> प्लोट हॉर्वर राइजो को देख के मैं मिंग्स पे सवाल उठाता है कि इस सस्ते नरोटो को बचाने के लिए उन लोगों ने अपना घर सेक्रीफाइस किया राइजो इज डेफिनेटली नॉट वर्थ नेको का हाथ और इनू का पैर वैसे थर्ड फ्लोर और बहुत सारे उनिगाशमा के एरियाज में आग लग चुका है थैंक्स टू दैट कांजुरो का डीमन इन्हीं की वजह से ये कीको और कीनेमोन की वजह से वो हुआ है ठीक है पहले मर्डर कर देते तो हो गया होता ना भाई मतलब पहले मार देना चाहिए था उसको लेकिन नहीं हमको तो भाई सोमू रॉइस सोमो राइस राइस और फोकरोस भी आग लगाए चाहे बस्ती में अपन अपनी मस्ती में कर रहे हैं और ये आग का सबसे बड़ा रीजन सांप और ची और आई शुड से और चुची वो भी दिखा है इंजॉइंग ह्योरी का सॉन्ग ह्योरी जस्ट डू इट यार काटते उसका गला हम सब खुश होंगे अगर तेरे हाथ खून से रंग जाएंगे तो वो भी ओरो के मतलब वी ऑल वॉन्ट दैट हैश टैग ह्योरी किल्स ओरो इसके बाद अपू ड्रेक सी पी जीरो वाले फाइट को दिखाया उड़ा ने दोगला अपू विथ हिज दोगला नंबर ड्रेक को छोड़ के भागते हुए दिखाया एंड गेस वॉट ट्रेक इज़ डिफीटेड बाय दैट सी पी ज़ीरो का मास्क वाला लीडर उसका भी एकदम खून वून निकल चुका है जिसका मतलब ये है कि ट्रेक अच्छा खासा लड़ा इस सी पी ज़ीरो वाले से वैसे ड्रेक का यहाँ पे हारना इज़ नॉट दैट सरप्राइजिंग क्योंकि ड्रेक पहली बात क्वीन से बहुत इंजर्ड हो गया था पहले ही प्लस ड्रेक लूफी या फिर जोरो तो है नहीं जो कि कैसे भी करके अपने ओपोनेंट्स को हरा देगा, देगाट <coughs> आरवर और यहाँ पे ना एक छोटा सा स्टेटस सांझी किलर हार्ट पायरेट शोरों का दिखाया गया है सांझी बेहोश दिखाया और उसका वो चुटकी ध्यान रख रही है किलर जिसका मास्क में एक बहुत बड़ा क्रैक हिल और ये मैं चीज़ अभी ध्यान दे रहा मतलब अभी नोटिस कर रहा है इसको हॉकिन से फाइट करते टाइम शायद उसका वो क्रैक आया होगा बट पता नहीं वो खड़ा है बस उसको इतना है कि वो अभी है कॉन्शियस है जोरो जो कि बेहोश उन्हीं में पड़ा दिखा है विच मीन्स कि जोरो का दवाई का इफेक्ट खत्म शायद तक जो कि सरप्राइजिंग नहीं है आई I मीन mean, जब जोरो किंग को हरा देगा तभी तो उसका दवाई का असर खत्म होगा ना उससे पहले थोड़ी होगा ऑल्सो जो डबल पेन वाला सीन होने वाला है जोरो के साथ वी ऑल नो कि जोरो मरेगा तो नहीं लेकिन आई होप कि कुछ ऐसा हो जोरो के साथ जिसको देख के हम बोल सके कि दिस दवाई वाला प्लॉट आरबर वोज वर्थ इट और बिग मॉ उसको देख के पता चल रहा है कि वो अभी लड़ना चालू कर रही है मतलब भाई अभी लग रहा है कि भाई है कुछ और आई डोंट नो वाई बट बिग बॉम का लुक भाई बहुत डेडली लग रहा शी इज़ नॉट द सेम डम्प फो ओल्ड हैक मतलब ओल्ड हैक तो है लेकिन इस बार भाई वो सीरियस मतलब क्रश कर देगी जो भी उसके सामने आएगा और जो सी पी ज़ीरो का बंदा नरेट कर रहा था ये सब उसने एक लाइन बोला कि ह्यूमन्स हमेशा अपने लिमिट्स को पुश नहीं कर सकते ऐसा वैसा जिस वे में सी पी ज़ीरो वाले बंदे ने ह्यूमन्स बोला ना ह्यूमन्स उसको सुन के मेरे दिमाग में दो पॉसिबिलिटीज़ आया पहला कि सी पी जीरो वे और वर्ल्ड गवर्नमेंट के टॉप मतलब सिलेस्टियल ड्रैगन्स एम गोरो से ये ह्यूमंस नहीं है जो कि आई डोंट थिंक सही है क्योंकि सिलेस्टियल ड्रैगन्स गोरो से सी जीरो सबके सब भाई ह्यूमन जैसे ब्लीड होते हैं मतलब दिखते भी उनका शक्ल हरकत सब चीज़ ह्यूमन जैसा ही है इंसान जैसा ही है दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि सी जीरो वाले नॉन सेलेस्टियल ड्रैगन्स को सिर्फ ह्यूम्स मानते हैं क्योंकि वो सिलेस्टियल ड्रैगन्स को गॉड मानते हैं और अगर ये चीज़ है जो कि मोस्ट लाइकली ऐसा ही होगा मेरे को ऐसा लग रहा है देन जिन्होंने भी इनको ब्रेन वॉश किया है सैल्यूट है भाई उसको <laughs> भाई स्वाद भाई बहुत सेक्सी ब्रेन वॉश हुए हैं भाई ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो के भी मस्त फुदू हैं मेरा भी ब्रेन वॉश करके मेरे को यूपीएससी में क्वालीफाई करने लायक बना दो अपना हार बनाएगा उसके बाद मैं फिर मस्त वेल दी फाइनल क्लाइमैक्स ऑफ दिस चैप्टर जो कि शायद से तुम में से बहुतों को अच्छा लगा होगा मेरे को ना पूरा फाइट अच्छा लगा लेकिन एक सीन को देख के मेरे को ऐसा लगा कि हक दिया मतलब लूफी को कायडो ने अपने कोटेड कानाबो से डायरेक्टली कस के मारा वो भी हाइब्रिड फॉर्म में और लूफी को ज़्यादा कुछ हुआ ही नहीं उससे अबे मजाक चल रहा है क्या भाई वो भी सर में मारा भाई कायडो ने लूफी के फिर भी लूफी अपना अटैक करके कायडो को पीट दिया पहले तो देख के लगा कि हाँ

That's what she said. जिसको देख के मेरे दिमाग में एक चीज आया दैट इज आज तक हम लोगों ने जब भी लूफी को आर्क के मेन एंटेगनेट से लड़ते हुए देखा है लूफी कभी हंसते हुए या फिर अपने फाइट को इंजॉय करते हुए नहीं दिखा है क्रोकोडाइल एनेरू रॉब लुच्ची की जारू मेगेलन अकाइनू ब्लैकबेड हॉडीजॉन्सैर डॉफी क्रैकर काटागोरी बिग मोमोरिया जिनसे भी लूफी लड़ा है लूफी रेज में लड़ा है या फिर किसी के लिए लड़ा है बट कायडो से लूफी किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने लिए लड़ रहा है एकदम मज़ा आ रहा है उसको वर्ल्ड्स स्ट्रोंगेस्ट क्रिएचर से पिट के और उसको पीट के <laughs> अभी मैं ना एकदम एक लैंडी चीज बोलने वाला है लैंडी इज नॉट अ गाली बाय द वे जिसका कोई सेंस नहीं है ठीक है <laughs> लूफी अभी 19 साल का है राइट जिसका मतलब यह है कि ही स्टिल अ बॉय और लूफी इज इन्जॉय राइट नाउ फाइटिंग काइडो

काइडो और लूफी दोनों ही हाफते हुए दिखे हैं लेकिन आई स्टिल बिलीव इन काइडो सुप्रे इसी के साथ ये ओपिनियन देना होता है ख़त्म मेरे हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर में क्या होगा बिग मोम या फिर काइडो का फाइट पे फोकस पड़ेगा शायद से मोस्ट लाइकली काइडो लूफी पे और या मटो वाला चीज़ भी दिखेगा शायद से उनका पूरा एक्सप्लोजन बुझाना एंड शिट जिसमें भी बिल्कुल अभी इंटरेस्टेड नहीं है हाँ सी पी जीरो भी है उनका जो मास्क वाला लीडर है उसने ड्रेक का गलत हालत बना दिया बे बट आई एम श्योर कि उसने ड्रेक को जान से नहीं मारा है क्या मतलब वो धूल हारे हुए ड्रेक के बाजू में खड़ा होकर टाइम वेस्ट कर सकता है आंडू बातें सोच के लेकिन ड्रेक को मार नहीं सकता नहीं ऐसा कुछ नहीं है ठीक है तुम गलत सोच रहे हो बट स्टिल गुड टू नो कि कोई तो लूफी का अलाइट ढंग से हार गया है लेकिन क्या पता ड्रेक नाटक कर रहा हो जैसे सी वाला जाने लगेगा ड्रेक बीस्ट फॉर्म में आके मस्त उसको काट देगा पीछे से एकदम क्रश वैसे मेरे को याद आया जब जुआन यूज़र्स हारते हैं तब वो अपने बेस फॉर्म में वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाते या फिर बैक रिटर्न हो जाते हैं जो भी है लेकिन ड्रेक को हम लोगों ने हाइब्रिड फॉर्म में देखा विच माइट मीन कि ड्रेक इज़ नॉट कम्प्लीटली डिफीटेड येट और हाँ जो लोग सोचते हैं कि लूफी काइडो के अटैक्स एंड नॉक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि काइडो वीक हो गया है लॉन्डो लूफी भी तो वीक हुआ है ना प्लस जब एडमिरल्स जो कि मोस्ट लाइकली यको से तो वीक ही है मतलब योंकोस आर स्ट्रोंगर देन एडमिरल्स उन लोग दस दिन तक लड़ने का गुदा रखते हैं तब डू यू थिंक रियली कि काइडो कुछ घंटे के फाइट से वीक होके हार जाएगा लमो अगर हारा तो मैं भाई फेस रिविल कर देगा लिटरली लेट्स होप कि कायडो को हराने के लिए लूफी किसी की हेल्प ले खुद से ना हराए वैसे ओडा ने बोला है कि लूफी पे ध्यान देना 2022 पे। टू उनको क्या पता कि अपन तो लूफी पे ही ध्यान देता है बस बाकी सब तो टट्टी हैश टैग फुल ही बाजी बट अगर सोचने जाए तो इट मैट बी पॉसिबल कि लूफी विल डू सम शिट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू लाइक डिफिटिंग कायडो वैसे लूफी पे मैं एक और वीडियो लाने वाला है जल्द बहुत जल्द शायद एक दो दिन में ही वीडियो लाने वाला है मैं मतलब भाई मतलब अगर मैं आलस नहीं करूँ तो वैसे मैं बहुत टाइम से सोच रहा था इस पर वीडियो लाने का जो भी जो टॉपिक में मैं बनाने वाला है बट ठीक है लेट्स ट्राई एक दो दिन में वीडियो डालने का मेरे को स्पॉन्सर से कंप्लेन भी आया मतलब उन लोगों ने बोला भी है कि इस हफ्ते दो वीडियो चाहिए फाक डालना ही पड़ेगा और हो गया बस मस्त अच्छे से ओपिनियन रख दिया मैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट इंस्टाग्राम का लिंक है यू कैन चेक आउट बिली बिली कॉमिक्स के दोनों जो कॉमिक मैंने रिकमेंड किया उनको चेक कर लेना उसको चेक कर लेना एक बार और ये क्या आवाज़ है भाई ये yeah, छोड़ो अब नेक्स्ट वीडियो में सुनने मिलेगी तो बाय बाय